लेते डीजी धरोहर, जल्दी होते उनके काम, मिलते कला को नए आयाम। भेदभाव के बिना पाटती हर एक पुरानी खाई को पीएमजी दिशा अपने अजियारों से धोती हर काली परछाई को। इस माटी की गौरव गाथा डिजिटल इंडिया भी गाए, हर वंचित तक अपने लाभों को पहुंचाती ही जाए। हर चेहरा मुस्कान भरा हो, हमने देखा है सपना, नहीं है रुकना, बढ़ते जाना, यही इरादा है अपना। छह साल पहले शुरू हुआ डिजिटल इंडिया मिशन आज करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा है। आज लोग हर छोटा बड़ा काम खुद ऑनलाइन कर रहे हैं, सही मायनों में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वह डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों को अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करने की अनुमति दें। सर्वप्रथम हम प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम के अंतर्गत बने दीक्षा प्लेटफॉर्म के लाभार्थी शिक्षिका प्रीतिमा सिंह जी एवं कक्षा 5 की छात्रा कुमारी सुहानी साहू के अनुभवों को जानते हैं। ये हमारे साथ बलरामपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। सुहानी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सुहानी, ये बताइए कि दीक्षा प्रोग्राम के बारे में आपको कैसे पता लगा और उसका क्या फायदा हुआ? दीक्षा प्रोग्राम के बारे में हमें व्हाट्सएप पे एक लिंक आता है जिसे हम खोलकर उससे हम जानकारी लेते हैं। उसके बाद जब हमारा हल उत्तर 10x10 आता है तो वो हम मैम को दिखाते हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो सुहानी आप? कक्षा 5 में पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा सुहानी, ये बताइए कि स्कूल की याद तो आ रही होगी। यस सर। हैं? तो फिर ये दीक्षा पर पढ़ाई का अनुभव कैसा रहता है? सर ये भी बहुत अच्छा रहता है, इस पर हम कार्टून पाते हैं और नई नई कहानियां और वीडियोस भी रहती हैं। यानी लेकिन पहले से मोबाइल था या ये कोरोना के कारण लेना पड़ा, क्या हुआ? पहले तो दीपावली में ही हमारे लोग का मोबाइल आ गया था, क्योंकि कोरोना की वजह से दीदी को पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो दीदी ने पापा से कहा थी पापा हमें एक मोबाइल ले दीजिए, पापा ने ला दिया मोबाइल। तो तुम्हें मोबाइल मिल गया उसकी खुशी है कि दीक्षा पोर्टल पे पढ़ने को मिल रहा है इसकी खुशी है? सर दीक्षा पोर्टल पे पढ़ने में खुशी है। तुम्हारे और दोस्त पढ़ रहे हैं इसको? यस सर। तो तुम तो मोबाइल फोन पर दोस्तों से बातों करने में टाइम जाता होगा। अच्छा वीडियो गेम खेलती हो? ऐसा वीडियो गेम खेलते हैं हम। खेलते हैं कि नहीं खेलते? खेलते हैं सर। तो फिर पढ़ाई कब करोगे? पढ़ाई हम 1 घंटा करते हैं और फिर 1 घंटा घर का काम करते हैं, मम्मी का हेल्प करते हैं। हाँ अच्छा प्रतिमा जी, आपसे भी थोड़ा मैं बात करूंगा। आप ये बताइए कि दीक्षा के लिए आपने खुद को कैसे तैयार किया? सर दीक्षा पोर्टल बहुत ही उपयोगी है, हम तो 2018 से इसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अभी पेंडेमिक में जब सर फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो पा रही है, उस वक्त दीक्षा पे 1,62,000 तरह तरह के जो कंटेंट्स हैं वो हमें बच्चों के साथ साझा करने में बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा था, जिससे बच्चे इंटरैक्टिव फॉर्म में वीडियोस को देख करके, सबसे बड़ी बात सर ये है कि हम देश के किसी भी कोने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नेटवर्क नहीं है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं कंटेंट्स को, और जो कंटेंट्स हैं वो कई वैरायटी के हैं, उसमें क्वेश्चंस भी हैं, उसमें ऑडियो वीडियोस भी हैं, जो कि बच्चों को कार्टून्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। चूंकि हमारे राज्य में पहले से इसकी तैयारी थी, हमारी पाठ्य पुस्तकों पर QR कोड प्रति पाठ
लगा हुआ है, और जैसे ही अगर किसी बच्चे को लिंक नहीं मिली, जैसे इस बच्चे के पास मोबाइल है उसने लिंक यूज किया, तो अगर नहीं मिली तो वो पाठ्य पुस्तक से वो QR कोड स्कैन करके कंटेंट को देख सकते हैं। सर इसमें कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी की भी जानकारी भी जरूरी है क्या? कुछ टीचर्स को इसमें समस्याएं भी आती होगी क्या? हर एक को तो टेक्नोलॉजी का स्वभाव नहीं होता है। जी सर, असल में दीक्षा पे 3200 कोर्सेज हैं जो टीचर्स कर सकते हैं। मैंने खुद 100 कोर्सेज पिछले एक पेंडेमिक में कंप्लीट किए हैं, मोर देन 100। यहाँ पे एक लर्नर पासपोर्ट बनी है। 100 कोर्स करने में कितना टाइम गया आपका? सर टाइम तो वो दीक्षा पोर्टल के मैट्रिक्स में से पता चल पाएगा, लेकिन पिछले एक सालों में मैंने इतने सारे कोर्सेज किए हैं, और उस पर एक सर सर्टिफिकेशन फैक्टर जो है वो बहुत टीचर्स को मोटिवेट करता है, ये अभी नया ऐड हुआ है। और लर्नर पासबुक में हमारे सारे सर्टिफिकेट्स दीक्षा पोर्टल पर स्वतः सुरक्षित रहते हैं। जैसे अगर आप कहेंगे तो मैं अभी मेरे जितने कोर्सेज हैं उनका सर्टिफिकेट्स ऐसे दिखा सकती हूँ। और जो प्रॉब्लम आती है दीक्षा पोर्टल पर, एक हेल्प और सपोर्ट के लिए पहले से बना हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना है। साइड में एक ऐप आता है हेल्प, उसको क्लिक करना है, और हम अपना जैसे ही कंप्लेंट दर्ज करते हैं दीक्षा से, वापस हमारे लिए एक टिकट जनरेट होकर के हमारे पास मैसेज आ जाता है कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, फिर वो हमें कॉन्टेक्ट करते हैं। आप सब अनुभव कर रहे हैं कि शिक्षा का डिजिटल होना आज एक प्रकार से समय की मांग है। कोरोना ने इस परिवर्तन को थोड़ा तेज भी कर दिया है, और दीक्षा जैसे अनेक प्लेटफॉर्म तैयार करके ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी पढ़ाई को बेहतर बनाया जा सके। अब तो कोशिश ये है कि गांव-गांव में अच्छी और सस्ती इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, सस्ते मोबाइल और दूसरे माध्यम उपलब्ध हो, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अपनी सुविधा के हिसाब से अच्छी पढ़ाई कर पाए। मुझे अच्छा लगा प्रतिमा जी और सुहानी, आप सबको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सर अब हम ईनाम स्कीम की ओर चलेंगे, जिसके तहत किसान अपनी फसल की उपज को सीधे ऑनलाइन बेच सकते हैं। इस योजना के लाभार्थी श्री प्रहलाद जी हमारे साथ हिंगोली महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। प्रहलाद जी नमस्ते। नमस्ते सर। प्रहलाद जी, मुझे बताया गया कि आपको इनाम योजना का बहुत लाभ मिला है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। हाँ सर, मेरा नाम प्रहलाद रामराव बुरगढ़ है, मैं सातेफल गांव तालुका बसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से हूँ। और ये जो इनाम का प्लेटफॉर्म है, इसका हमने 2018 से काम इसमें चालू किया, और इसमें हमारे जैसे जो किसान हैं और भी छोटे छोटे किसान हैं, वो अपना जो फसल है वो इनाम के माध्यम से अच्छी तरह से बेच पा रहे हैं, और इसका जो मूल्य है वो भी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। पहले जो मार्केट का सिस्टम था उससे ये बहुत लाभकारी साबित हुआ है, और इससे पेमेंट भी अच्छी तरह से जल्दी मिलता है, उसमें गतिमानता भी बहुत है। हमारे मंडी में पूरे दिन में दिन भर 1000 से लेकर 2000 तक की बोरी बेची जाती थी, लेकिन अभी इनाम के माध्यम से लगभग 2 घंटे में 4000-5000 बोरी का भी ऑक्शन हो रहा है, और इसकी जो गतिमानता है कि काटा भी फास्ट हो रहा है, पेमेंट भी तुरंत मिल रहा है, और पारदर्शिता भी है। अभी COVID-19 के समय देखा जाए तो पूरा ऑल इंडिया लॉकडाउन था, फिर भी हमारे किसानों को माल बेचने में कठिनाई नहीं आई उस टाइम भी, और पारदर्शिता भी उनको मिली। किसान भी वहाँ पे नहीं आया, खाली माल भेजा उन्होंने, जो भी रेट लेगा वो उसको मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उसको सीधा उसको रेट का पता चला। बायर को भी अच्छा माल मिल रहा था, उसको भी खरीदारी के लिए आसान गया। और लगभग जो COVID-19 के समय हमने जो माल बेचा वो पूरे साल में भी वो रेट किसान को नहीं मिल पाया, इसलिए हमारे किसान भी इससे बहुत खुश है, और ये इसका लाभ हमने अच्छी तरह से उठाया। हम चाहते हैं इसको बहुत अच्छी तरह से बढ़ावा मिले और किसानों को उससे लाभ मिले। प्रहलाद जी, इसके दरमियान आपको मंडी तो जाना नहीं पड़ता होगा।
सर इसे जो एफपीओ मॉडल कोविड-19 के समय लाया गया तो इससे हमें मंडी में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी और हमारी ही सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का हमने जो ग्रुप बनाया तो उस प्लेटफॉर्म में खुद जो खरीदार है वो हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने वहाँ से ही टेंडर भरा, ऑनलाइन कुछ लोगों ने टेंडर भरा और उससे वो माल खरीदा, इसलिए ना हमारे किसानों को कहीं जाने की जरूरत पड़ी ना ही हमें कहीं जाना पड़ा और अच्छा रेट मिला। ये बहुत लाभकारी रहा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी घटा और कहीं माल के पास अटक के पड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, कहीं लॉकडाउन में पुलिस की भी दिक्कत कहीं भी नहीं आया। मैं प्रहलाद जी, आपको सुनकर के मुझे इतना अच्छा लगा और इतने कॉन्फिडेंस के साथ, और आप पूरी तरह अनुभव की वाणी बता रहे थे। मुझे विश्वास है कि देश भर के किसान आपके मुंह से ये बात सुनेंगे तो उनका भी इनाम के प्रति ये